अगर आपको कमर में दर्द रहता है और कुल्हे में भी लंबे समय से दर्द और अकड़न बनी रहती है तो आप एक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो आगे चलकर आपको काफी परेशान कर सकती है और आपके कुल्हे के जोड़ को ऑपरेशन की स्थिति तक पहुंचा सकती है, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट तक आपको पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है हिप जॉइंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हड्डियां घिसने लगती है और अंततः खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। हड्डी घिसने या जोड़ों के अलग हो जाने के कारण, यानी कि डिसलोकेट हो जाने के कारण, उस हिस्से में रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी के लक्षण, कारण, रिस्क फैक्टर, बचाव और इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, इस बीमारी में दर्द कुल्हे, कमर और जांग में होता है। दर्द से पीड़ित अपने पैर को सीधा ऊपर नहीं उठा पाता है और उसे पूरे पैर में दर्द महसूस होता है। दोस्तों, एक बार की देखने पर तो यह प्रतीत होता है कि यह दर्द कमर में नर्व्स के दबाव की वजह से हो रहा है, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है जब भी तो डॉक्टर इसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताते हैं। दोस्तों, अगर सही समय पर सही इलाज हो जाए तो पीड़ित ऑपरेशन से बच सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको कर आप घर पर ही हिप जॉइंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी से निजात पा सकेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हड्डियों की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोन टिश्यू, हड्डियों के ऊतक मरने लगते हैं। इस तरह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इन ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त यानी ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसे ऑस्टियो नेक्रोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हड्डियां घिसने लगती है और अंततः खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। हड्डी घिसने या जोड़ों के अलग हो जाने के कारण, यानी कि जॉइंट डिसलोकेट होने के कारण, उस हिस्से में रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। दोस्तों, यह बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर 30 से 60 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के लोगों में यह बीमारी ज्यादा गिरफ्त में लेती है। वैसे लोग जो काफी लंबे समय से ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें इस बीमारी के होने की संभावना दोस्तों अधिक होती है। दोस्तों, कई लोगों में शुरुआती दौर में इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब वजन उठाने पर जोड़ों में दर्द होने लगता है और अंततः स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि लेटे रहने पर भी जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों, इस बीमारी में दर्द मध्यम दर्जे का या बहुत तेज दर्द होता है और यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने पर पेड़ू, जांग और नितंब में दर्द होता है। कुल्हे के अलावा इस बीमारी से कंधे, घुटने, हाथ और पैर भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इनमें से किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर जोड़ों के लगातार दर्द बना रहता है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कई कारण होते हैं, जैसे जोड़ में किसी तरह की चोट या परेशानी, जैसे जोड़ का खुल जाना यानी कि जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना, जाने की वजह से भी उसके नजदीक की रक्त नलिकाएं दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाती है। दोस्तों, कई बार रक्त नलिकाओं में वसा का जमाव हो जाता है जिससे ये नलिकाएं संकरी हो जाती है। इस वजह से हड्डियों तक रक्त नहीं पहुंच पाता है।
जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, गोचर्स डिजीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होने पर भी हड्डियों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता। इन सब के अलावा कुछ ऐसे अनजाने कारण भी हैं जिनकी वजह से यह बीमारी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, जैसे जोड़ों में चोट लगना या जोड़ का क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे कुल्हों के जोड़ का अलग हो जाना या डिसलोकेट हो जाना या उनका टूट जाना। इस स्थिति में भी जोड़ों के नजदीकी रक्त नलिकाएं दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाती है और हड्डी तक रक्त की आपूर्ति दोस्तों कम हो सकती है। दोस्तों, स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करने पर भी यह बीमारी हो सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयों का सेवन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का दोस्तों सामान्य कारण है। शराब का अत्यधिक सेवन लगातार कई वर्षों से, एक दिन में कई बार शराब पीने से रक्त की नलिकाओं में वसा का जमाव हो जाता है और वे संकरी हो जाती है। दोस्तों, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक दवाइयों के सेवन से जबड़ों के नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। पेंक्रियाइटिस, डायबिटीज, गोचर्स डिजीज, HIV, एड्स, सिस्टेमेटिक ल्यूपस, एरिथ्रोमाइटिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के होने पर भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बनी रहती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का उपचार नहीं कराने पर समय बीतने के साथ साथ मरीज की स्थिति बद से बदतर होती जाती है और एक समय ऐसा आता है दोस्तों जब हड्डी कमजोर होकर घिसने लग जाती है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण हड्डियों का चिकनापन भी खत्म होने लगता है, जिससे भविष्य में मरीज गंभीर रूप से गठिया रोग से भी पीड़ित हो सकता है और गठिया रोग के जैसे लक्षण हैं वह भी प्रकट होने लगते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाने के पहले दोस्तों कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक कागज पर बीमारी के सभी लक्षणों को दोस्तों आपको लिख लेना चाहिए। आप वर्तमान में कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और क्या आपके परिवार में किसी को जोड़ों में इस प्रकार की कोई बीमारी रही है, इस बारे में भी दोस्तों लिख लो। दोस्तों, बीमारी पता लगाने के लिए डॉक्टर आपसे कई तरह की जांचें करवा सकते हैं। आपके जोड़ों की जांच परख करने के बाद, उनको देखने के बाद डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट की सलाह देते हैं। इस टेस्ट में जोड़ों का एक्सरे, MRI व CT स्कैन और बोन स्कैनिंग की जाती है। एक्सरे के जरिए दोस्तों हड्डियों की स्थिति में होने वाले बदलाव की जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि शुरुआती दौर में एक्सरे रिपोर्ट सामान्य ही आती है। MRI और CT स्कैन हड्डियों की विस्तृत इमेज हमारे सामने रखते हैं, जिससे डॉक्टर को इसमें होने वाले शुरुआती बदलाव का पता चल पाता है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस से बच सकते हैं। सीमित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें। अगर आप नियमित रूप से स्टेरॉइड का सेवन किसी बीमारी के इलाज के लिए करते हैं तो उसके प्रभाव के लक्षणों का आपको दोस्तों हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए। दोस्तों, मरीज के लिए कौन सा उपचार सही रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हड्डियों को कितना नुकसान पहुंचा है। इस बीमारी के इलाज के लिए पहले मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी का ही सहारा लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिप जॉइंट या यूं कहें कि कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कौन सी मेडिकेशन व फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स कारगर साबित हो रही है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के शुरुआती दौर में इसके लक्षणों को समाप्त करने के लिए दवाइयां और थेरेपी दोनों का ही सहारा लिया जाता है। दोस्तों, इसके तहत एक मरीज को दर्द कम करने की दवाई, रक्त नलिकाओं के अवरोध को दूर करने की दवाइयां दी जाती है। इसके साथ ही मरीज को क्षतिग्रस्त हड्डियों पर पड़ने वाले भार या दबाव को कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कुछ ऐसे व्यायाम करने की सलाह दी जाती है
ताकि जोड़ों की अकड़न दूर हो सके और ऑपरेशन से दोस्तों बचा जा सके। इसके अलावा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एलिडिनोट थेरेपी का सहारा लिया जाता है ताकि उसे खत्म होने से बचाया जा सके, हड्डी को मजबूत किया जा सके। इलाज के दौरान एल्ड्रोनेट टेबलेट रोगी को दी जाती है जिससे मरीज इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों एल्ड्रोनेट टेबलेट का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है, इससे हड्डियों का घिसना रुक जाता है। दोस्तों इस दवा के सेवन से कुछ ही सप्ताह में दर्द से आराम मिल जाता है। इस दवा को सुबह खाली पेट 1 या 2 गिलास पानी के साथ दोस्तों लिया जाता है। इस टेबलेट से उन मरीजों को भी राहत मिल पाती है जिन्हें सर्जरी की जरूरत होती है या डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी होती है। यह दवा कैल्शियम और विटामिन डी की अनुपस्थिति में दोस्तों काम नहीं करती है, इसलिए 3 साल तक कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट को दोस्तों लेते रहना चाहिए। दोस्तों दवा के साथ फिजियोथेरेपी की विभिन्न तकनीकों के इस्तेमाल से सैकड़ों रोगियों को नया जीवन मिला है और वह ऑपरेशन से बचे हैं। फिजियोथेरेपी में हिप ज्वाइंट ट्रैक्शन, हिप ज्वाइंट मैनिपुलेशन, डीकंप्रेशन, पोजिशनिंग, IFT, डीप हिट थेरेपी और लेजर थेरेपी से इलाज करवाने पर रोगी बिना ऑपरेशन रोग मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनको आप घर पर कर आप अपने हिप जॉइंट या कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस के दर्द को खत्म कर सकते हैं और इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आप गर्दन के नीचे से तकिया निकालो और घुटने के नीचे लगाओ, सीधा लगा लो। हाँ, अब घुटने की मांसपेशियों को टाइट करना है, दबाना है, जोर से दबाओ और 10 तक गिनो जोर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ढीला छोड़ दो, वापस दबाओ जोर से 10 तक, ढीला छोड़ दो, वापस दबाओ, गुड, वापिस दबाओ, वेरी गुड, वापिस दबाओ, ठीक है। घुटने के नीचे से तकिया निकालो और दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाओ, दोनों पैरों के बीच में। हाँ, अब दोनों पैरों की मांसपेशियों को टाइट करते हुए प्रेस करना है, ढीला छोड़ दो, यस गुड, वापिस दबाओ जोर से, घुटने सीधे रहने चाहिए, हाँ वापिस दबाओ जोर से, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो, वापिस दबाओ, 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 यस गुड। अब तकिया निकाल लो, सर के नीचे लगा लो आप वापिस। अब घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है, हाँ घुटना जितना मोड़ सको उतना मोड़ना है, 10 तक गिनना है, वापिस सीधा करना है, पूरा सीधा कर लो, वेरी गुड, वापिस मोड़ो, हर बार ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करनी है, 10 तक गिनना है, वापिस सीधा मोड़ के 10 तक गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस सीधा कर लो, वापिस मोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधा कर लो, वापिस मोड़ो, 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधा कर लो, वापिस मोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधा कर लो। हर बार कोशिश ये करनी है घुटना ज़्यादा से ज़्यादा मोड़े, ठीक है। अब वापिस घुटना मोड़ो, अगली एक्सरसाइज बार की तरफ लेके आओ पैर को, हाँ ऐसे रोक के 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस, हाँ अंदर की तरफ ऊपर ले जाओ अंदर, हाँ 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस बार की तरफ, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस अंदर की तरफ, हाँ करो 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस बार की तरफ, बार लाओ पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
वापिस अंदर की तरफ, पूरा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस बाहर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ लाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस अंदर की तरफ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, वापिस बाहर की तरफ लाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस ऊपर अंदर की तरफ ले जाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर सीधा कर लो आप, ठीक है। अब ऊपर उठाने का करना है, पंजा ऊपर की तरफ खींच के घुटना एकदम सीधा रहना चाहिए, ऊपर उठाओ पैर को, सीधा ऊपर उठाओ, घुटना सीधा, रोक के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कर लो, वापस उठाओ, होल्ड 10 तक रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वापस उठाओ, पूरा उठाओ, घुटना सीधा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वापस उठाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आपको करवट में लेटना, उधर मुंह कर लो आप, हाँ। अब पैर को ऊपर उठाना, जीता आप ऊपर उठा सकते हो, उठा के रोक के 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और उठा लो, लास्ट उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट के गर्दन साइड में कर लो एक तरफ, अब पैर को ऊपर उठाना है, घुटने को बिना मोड़े रोक के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कर लो, रुक जाओ, गुड, एकदम रिलैक्स, ठीक है, बैठ जाओ। दोस्तों यह थी जानकारी हिप जॉइंट या कुल्हे के एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लक्षण, कारण, बचाव और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टेक्निक्स और एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।